वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर इंश्योरेंस सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे लाइफ स्टेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नीड्स एंड इंश्योरेंस नीड्स। किस एज में कितना फाइनेंशियल नीड होता है और किस एज में कितना इंश्योरेंस का नीड होता है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। अगर हम बात करें 16 टू 25 के एज की, तो यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल नीड की बात करें तो हमें पेरेंट्स के साइड से थोड़ा सपोर्ट होता है। यहाँ पे हमारा एजुकेशन चल रहा होता है या फिर अर्ली करियर का स्टार्टअप या कुछ हम स्टार्ट किए होते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियल नीड्स में हम अगर काउंट करेंगे तो एजुकेशन लोन पे ऑफ करना हो सकता है, या फिर कुछ भी हमारे ऊपर लोन या डेट नहीं होगा, हम यहाँ पे हाउस वगैरह लेने के लिए थोड़े पैसे एक्युमुलेट कर सकते हैं। और अगर इंश्योरेंस नीड की बात करें तो यहाँ पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक की कोई डिपेंडेंट होती नहीं है, तो ज़ीरो इंश्योरेंस कवरेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमें पूरा फोकस सेविंग पे करना चाहिए। अगर हम बात करें 25 टू 35 में, तो यहाँ पे मैरिड विथ और विदाउट किड्स वाली कैटेगरी आती है, तो यहाँ पे हमें उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ पैसे सेव करने होते हैं और हमारे ऊपर थोड़ा लोन होता है गाड़ियों का, घर का, वो हमें पे करना होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें थोड़ा सा, मतलब बहुत कम, लेकिन रिटायरमेंट के बारे में सोचना होता है और टैक्स प्लानिंग के ऊपर काफ़ी विचार करना होता है। और अगर बात करेंगे इस एज में, तो ये काफ़ी क्रूशियल एज होता है। यहाँ पे अगर किसी भी पर्सन की डेथ होती है जो ब्रेड अर्नर है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रिस्क कवरेज चाहिए हमें, तो यहाँ पे इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर तीसरे स्टेज की बात करें 35 टू 60, यहाँ पे हमें रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना है, हॉलीडे के लिए कुछ पैसे जमा करने हैं, और अगर हम देखेंगे तो जो भी हमारे डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए थोड़े पैसे जमा करने हैं। इस स्टेज में अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए भी कुछ पैसे जमा करने होते हैं। और अगर इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस नीड, तो यहाँ पे हमें रिटायरमेंट प्लान वाले कुछ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर बात किया जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज यू आर टचिंग 35 एंड मोर, तो यहाँ पे गाड़ी गैराज में जाना शुरू होगी। एक्चुअली इसका मतलब यहाँ पे हमें हेल्थ इंश्योरेंस का ज़रूरत लगेगा, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस नीड भी है और रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल नीड भी है। और अगर हम बात करें ओवर पोस्ट 60 ईयर के बाद की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग रिटायर हो जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा ये अक्यूमुलेशन फेज ख़त्म होके डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू होता है, तो हमें मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए थोड़े पैसे साइड रखने चाहिए, और अगर हम लंबा जिएंगे तो उसके लिए थोड़े पैसे सेव करके रखने चाहिए। और अगर बात करें इंश्योरेंस नीड की, तो अगर हमारे कोई अगर कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो स्पाउस की लंबी लाइफ अगर है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए छोटा अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस होना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं हम चाइल्ड के लिए वेल्थ अक्यूमुलेशन करने के लिए कुछ फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो 25 टू 35 के एज में हमें इंश्योरेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होता है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 25 टू 35 एंड 30 टू 60 ये दोनों ही ब्रैकेट में हमें इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी एफर्ट डालना होता है। और 16 से 25 की बात करें तो वहाँ पे हमें पूरा ग्रांटेड मिलता है, हम आराम से रह सकते हैं। और 60 के बाद तो कुछ नहीं, जो हमने पहले किया हुआ है वही बैठ के खाना है। तो ओवरऑल ये है फाइनेंशियल नीड्स एंड इंश्योरेंस नीड्स का कंपैरिजन। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।